तो रश्मि देसाई के मैटर के बाद एक और मुद्दा जो है पर वीकेंड के बार पर आया है इस बार, वो है प्रोवोकिंग का, कि हाउसमेट सिद्धार्थ को प्रोवोक करते हैं या पहले सिद्धार्थ प्रोवोक करता है हाउसमेट्स को। और सलमान खान ने इस पर भी अच्छे से यहाँ पर सबको जो सबके माइंड थे वो क्लियर कर दिए हैं। हेलो नमस्कार आदाब, मेरा नाम है यशु, समय ले आया हूँ आपके लिए बिग बॉस के घर से वीकेंड का वार की खबर। आप देख रहे हैं द बॉलीवुड रिपोर्टर। तो गाइस अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं वीकेंड के वार के अपडेट्स दे रहा हूँ यहाँ पर, और बेल आइकन को भी दबा दो जिससे आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स मिल जाए सबसे पहले। बात करूँ इस प्रोवोकिंग के टॉपिक की तो यहाँ पर सलमान स्टार्ट करते हैं। तो बताइए मुझे आप लोग, सब इधर बोलते हैं कि सिद्धार्थ हमें प्रोवोक करता है। मैंने इस बात को सीरियसली लिया और मैंने यहाँ के कैमरामैन, जितने भी यहाँ पर 150 कैमरा लगे हुए हैं, मैंने सबको कैमरामैन को बोला कि यार आप लोग मुझे एक सिंगल फुटेज ऐसा निकाल के दिखाओ जिसमें सिद्धार्थ प्रोवोक करता हुआ दिखाओ, सिंगल बंदे से भी, किसी एक बंदे से भी सिद्धार्थ, किसी एक कंटेस्टेंट से भी सिद्धार्थ यहाँ पर प्रोवोक स्टार्ट करता हुआ दिखाओ, और मुझे सिंगल फुटेज नहीं मिला। यहाँ पर विकास गुप्ता जो कल के एपिसोड में हमें बोलते हुए दिखे थे कि यहाँ पर वो सलमान खान के सामने सिद्धार्थ का स्टैंड लेंगे इस बार, इस वीकेंड के बाद, विकास गुप्ता यहाँ पर बोलते दिखते हैं कि सर सिद्धार्थ किसी को प्रवोक नहीं करता है, ये 10 लोग मिलकर आते हैं सिद्धार्थ को प्रवोक करते हैं, और फिर जब लड़ाई होती है जो उसका रिएक्शन निकलता है उसका ये मुद्दा बनाते हैं। उसके बाद सलमान खान बोलते हैं हाउसमेट्स को सभी को कि ये जो तुम प्रवोक करते हो सिद्धार्थ को, ये तुम्हारी स्ट्रेटेजी है या मतलब तुम्हारा करेक्टर ऐसा है। तो यहाँ पर सलमान खान अच्छी खासी लेते हैं घर वालों की। उसके बाद सलमान बोलते हैं कि तुम्हें नोबल बनना है या तुम्हें विलेन बनना है, ये कोई स्क्रिप्टेड शो है यहाँ पर, ये तुम एक तुम्हारी एक स्क्रिप्ट चल रही है अपनी, ये सब तुम्हारा करेक्टर दिखाता है कि तुम कैसे हो असली में। उसके बाद सभी घर वालों की बोलती बंद। तो गाइस आज का वीकेंड का वार जैसा जा रहा है उससे मुझे तो लग रहा है कि सैटरडे को यहाँ पर बायकॉट सलमान खान या बायकॉट बिग बॉस, बायस बिग बॉस, बायस सलमान खान, ऐसे आपको हैशटैग्स देखने को मिल सकते हैं। लोग होते हैं ऐसे, जब सलमान खान किसी राइट का साइड लेते हैं तो वहां पर ऐसे लोग जो नेगेटिव साइड होते हैं वो हैशटैग ऐसे नेगेटिव हैशटैग चलाना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसा हैशटैग से आप दूर ही रहना, मेरे चैनल को देखते रहना, आपको दूंगा सारे लेटेस्ट अपडेट्स। तो गाइस जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, दोबारा फिर कह रहा हूँ, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दो जिससे आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स मिल जाए सबसे पहले। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हमारे चैनल को देखते रहें, कीप ऑन वॉचिंग द बॉलीवुड रिपोर्टर।